तो वहीं ग्वालियर सहकारिता क्षेत्र के चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले ढाई दशक में बीजेपी ने सहकारिता आंदोलन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अधिकांश सहकारी संस्थाएं कंगाली की हालत में हैं, जबकि कुछ सहकारी संस्थाएं जैसे भूमि विकास बैंक बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा दो दशकों से ही इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का दावा है कि अगले 3 महीने के भीतर सहकारिता के चुनाव कराए जाएंगे। पहले अपेक्स संस्थाओं के चुनाव होंगे, इसके बाद अपेक्स बैंक के चुनाव होंगे, बाद में जिला सहकारी बैंकों के चुनाव होंगे, इसके साथ ही अन्य सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे। पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि सरकार ने इसके लिए रणनीति बना ली है और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अगले 3 महीनों में ये चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर सहकारी आंदोलन की कमर तोड़ने का आरोप लगाया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के समय सहकारी आंदोलन जीवित था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जहां तक मैंने पिछले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सहकारिता की देखी है, सहकारिता आंदोलन पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के समय जो था भारतीय जनता पार्टी ने चौपट कर दिया। सहकारी संस्थाएं अधिकांश बंद हो चुकी हैं और हैं भी तो पूरे घसट रही हैं। उनमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी है। पिछले बार भी जब चुनाव कराए गए थे भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह की सरकार के समय, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्येक जिले में लिखित में एजेंडा जारी किया था कि जिन लोगों में ही फार्म भरे जाएं, किसान बैठे रहे, हम लोग हमारी ग्रामीण के संस्थाओं में सुबह से बैठे नॉमिनेशन का समय फाइल करने के लिए कोई अधिकारी पहुंचे नहीं, उन्हीं के गिने चुने फारे एक तरफा चुनाव घोषित कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि जो पहले कर चुके वही फिर करेंगे। सहकारिता का चुनाव ना मात्र के लिए नौटंकी करेगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से शिवराज सिंह भाजपा सरकार मतभेद हुई है, ग्राम न्यायालय के चुनाव हुए थे जैसा दिग्विजय सिंह ने ग्राम न्यायालय का एक्ट बनाया था उसके चुनाव बंद, मंडी कमेटी के चुनाव 15-20 वर्ष से बंद, सिंचाई पंचायतों के चुनाव 20 वर्ष से अधिक समय से बंद। सहकारिता के चुनाव मुझे लगता है 2-3 महीने में, पहले पैक्स सोसाइटी के होंगे फिर अपेक्स के होंगे, तो 3-tier सिस्टम है। पैक्स सोसाइटी जिला के हमारे सीसी बैंक है, फिर अपेक्स बैंक है, तो मुझे लगता है 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि जो हमने नींव डाली थी, हमारे विश्वास सागर साहब से मेरी बातचीत हुई थी, और जो निर्वाचन के जो अथॉरिटी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक पारासा साहब पहले थे, अभी हमारे एक रिटायर्ड IAS हैं, तो उनको भी मैंने कहा है और हाई कोर्ट का भी निर्देश है। मुझे लगता है 3 महीने में सहकारिता के पूरे चुनाव मध्य प्रदेश में हो जाएंगे।